सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है और सातवें दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हमें दो अध्यायों का पाठ करना होता है, अध्याय 12 और अध्याय 13। तो चलिए माँ कालरात्रि को याद करते हुए हम अपना अध्याय 12 आरंभ करते हैं। पहले हम माँ कालरात्रि का मंत्र बोलेंगे, ओम कालरात्रि देव्यै नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस तरह से दोस्तों हम 5 बार, 7 बार या 11 बार या फिर 21 बार बोलकर हम अपने अध्याय को आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अध्याय 12। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके प्रियजनों का बिछो ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनाना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या अन्य स्थान पर मेरी यह सप्तशती विधि पूर्वक पढ़ी जाती है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य का श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। उनके सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्ध्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि पास नहीं आते।
प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका यों कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बारंबार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, जगत को मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। हमारा 12वां अध्याय संपन्न होता है। बोलिए जय माता दी। 13वां अध्याय आरंभ। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। यही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और वह राजा और वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। वे दोनों नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया और फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता, अहंकार और आशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णक मनु के नाम से विख्यात हुए। हमारा 13वां अध्याय संपन्न होता है। हमें प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद क्षमा याचना और माँ की आरती अवश्य करनी है और हमें महाअष्टमी के दिन माता के 3 रहस्य क्षमा याचना और आरती अवश्य करना है। इस तरह से माता दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न हो जाता है। दोस्तों मेरे साथ बोलिए जय अम्बे जय माँ भवानी।